चलो 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 वाड़ जाओ वाड़ जाओ वाड़ जाओ वाड़ जाओ। आए कैसा लगा अपना नया घर? ओए वो तो डर नहीं है इससे यार। ओए डर क्यों नहीं हो इससे यार, तुम्हारी खानदान के है भाई। लगता है डक्कू डॉली की फुफू उठा के ले आया हूँ मैं, इसलिए डर रहे हैं। क्या अंदर परा वारना यार, अंदर वार वार अंदर। हाँ पानी शानी पियो पहले। आए ओए ओ डर के भाग गए यार। ओ भाई तुम्हारे भाई लोग हैं, क्या कर रहे हो यार? इनका तो आपस में फट्टा चल रहा है यार। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। भाई कल परसों तुम लोग देख रहे होगे कि यार अचानक जो है डकी भाई ने एक ही दिन में दो व्लॉग्स डाल दिए। वो तुम लोग को पता है ना कि पिछले दिनों जो है कुछ दिनों की जो है ना छुट्टी होगी ही, तो मैंने कहा भाई अब हम लोग उसको पूरा कर लेंगे दिन में दो व्लॉग डाल के। यानी कि डेली व्लॉगर हम अभी भी हैं। जितने दिन मिस हुए थे ना वो व्लॉग जो है वो आ जाएंगे बीच बीच में, टेंशन नहीं लेनी। अभी जो है ना मैं अपने पीछे वाले टेरेस पे था। जिन लोगों को नहीं पता ये वाला स्विमिंग पूल जो है हम लोगों ने अपनी बतख के लिए लिया था, डक्स के लिए, लेकिन ये जो है ना उनके पिंजरे में पूरा नहीं था आना, तो इसको जो है ना हमने साफ सूफ करवा ली है। तो अब जो है ना ये हम अपने इस्तेमाल के लिए जो है ना करेंगे यूज, क्योंकि भाई गर्मी बहुत हो गई है। सही है, सीधा सूरज जो है ना सीधी टिंड पे पड़ता है, काला हो गया हूं मैं बैठे बैठे। तो अब जो है ना इस स्विमिंग पूल पे हम लोग नहाया करेंगे। खैर एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हुआ तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। भाई जिन लोगों को पता है कल वाली वीडियो के हिसाब से बतख के लिए हम लोगों ने नया स्विमिंग पूल लिया है छोटा सा, उस पे जो है ना उन्होंने तैरना शुरू कर दिया। उनको समझ आ गई है कि स्विमिंग पूल उन्हीं का है। अभी जो है ना तुम लोगों को दिखाता हूं एंजॉय मार रही है इस वक्त ना। मैं इनके पीछे पीछे जाऊंगा ना, खुद ही पानी के अंदर जंप मार देंगी देखना। एक ने तो जंप मार दी। आए 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 आए। अच्छा ये इन्होंने इसको वॉशरूम बना लिया है, ज्यादातर बिट इन्होंने यहीं पे की हुई है। बाकी तुम लोग देखो पूरी जगह साफ है, कहीं पे इन्होंने बिट नहीं की हुई, सिर्फ यहाँ पे बिट की हुई है। भाई ये तो काम खराब है यार। यार ये मुझे वैसे कोई नीचे कमेंट में बताए कि यार ये बिट लकड़ियों पे करने का कोई क्या सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ऐसा तो नहीं कि लकड़ी पे ही बिट करती है, क्योंकि बाकी पूरी जगह पे देख लो इन्होंने कहीं पे बिट नहीं की हुई। ये मजे की हैरान की बात है वैसे। यार ये इतना बड़ा पिंजरा आपने बना दिया है, ठीक है, ऊपर से सिर्फ दो बतखे इसके अंदर, तो और नहीं कुछ लाओगे? नहीं बतखे दो ही ठीक है यार। अभी आप उनके पास गए, उन्होंने पानी से जंप मार दिया यार, क्या कर रहे हो? अच्छा वाला नहा रहे थे वो। कुछ और भी तो होना चाहिए, जैसे कोई और बतखे ले आओ, कोई मोर ले। और बतखे लेके आ सकते हैं वैसे, सफेद बतखे लेके आ सकते हैं। सफेद बतखे लेके आ सकते हैं। सफेद बतखे जो है ना वो थोड़ा आई थिंक उड़ती भी नहीं है। सफेद बतखे लेके आ सकते हैं। हाँ चलने सफेद बतखे लेने, अभी जा रहे लेने, अभी चलते हैं। चलो। ओए डक्कू डोली कोई मसला तो नहीं अगर इस घर के अंदर तुम्हारे बहन भाई भी आ जाए हैं? नहीं कोई इशू तो नहीं होगा भाई? इनका घर है तो इनसे जो है ना परमिशन लेनी पड़ेगी कि यार यहाँ पे अगर दो व्हाइट कलर की बतखे आ जाए तो इनको कोई इशू तो नहीं है? चल मैं उनको लेके आता हूँ, अगर तुम्हें ना पसंद आए टेंशन लेनी मुझे बता देना, ठीक है? फिर उनको निकाल देंगे यहाँ से। ये है घर तुम्हारा ही, मालिक अभी भी तुम ही हो इसी घर के, यहाँ पे चलेगी तुम्हारी ही, टेंशन नहीं लेनी भाई। तो भाई व्हाइट बतखे लेने चलते हैं, आरो फिर निकले, फिर शाम हो जानी है। अभी जो है ना जानवरों की मार्केट बहुत ज्यादा दूर है, तकरीबन घंटा जो है ना हमें लग जाएगा, तो तुम लोगों को जो है ना घंटे बाद मिलते हैं। अब One hour later. तो यार ये मार्केट में तो आ गए हैं, सही है, और यहाँ पे जो है ना हम ढूंढते हैं कोई बतख शतक अगर हमें मिलती है कहीं पे। भाई बतख के बच्चे तो हमें मिल चुके हैं। ओए 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 क्यूट है ना भाई, छोटे छोटे बतख के जो है ना हमें चूजे मिल चुके हैं। ये पीली वाली देखो यार, यार भाई बतख के बच्चे बहुत क्यूट है भाई। यार ये बड़ी पड़ी है आपके पास? बड़ी सिर्फ चूजे हैं आपके पास? भाई इनके पास ना सिर्फ चूजे हैं, बड़ी बतख नहीं पड़ी, हम बड़ी लेने आए हैं। बाहर निकालना कोई अच्छी सी, पूरी सफेद देना, पूरी सफेद। लेकिन यार ये तो भोंकड़ी है यार, पैर पड़ा भाई इसका, पैर पैर है दोनों। अच्छा तो ये जो ये ब्राउन ब्राउन निशान लगा हुआ है ये मिट्टी है या क्या है? ये साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा ना, पेड़ है ये, पेड़ है कंफर्म। अंडे दे रही है? अंडे देगी। यार ये और कौन कौन सी बतखें हैं आपके पास? देखिए मेरे पास मैंड्रीन हैं, स्विंग्स अच्छा। हैं और पाकिस्तानी हैं, इसके अलावा मेरे पास रैबिट्स हैं, पिजन्स हैं, पैरट्स हैं। अच्छा रैबिट्स हैं। यार रैबिट रैबिट का मुझे है दिल करता है रैबिट रखने का, लेकिन ये तो वो मिट्टी में वो गड्ढा नहीं कर देती है, घास में खराब कर देती है सुना है। पाकिस्तानी रैबिट्स है ना वो डिगिंग वाली आदत होती है, लेकिन जो हमारे पास फैंसी रैबिट तो मतलब ये बच्चे फिर किस तरह करती है? मैंने सुना है वो
जमीन खोदनी पड़ती है इनको। नहीं इन इन रैबिट्स के लिए वो जमीन वाला खोदने वाला सीन नहीं होता, ये ब्रीडिंग बॉक्सेस होते हैं बड़े प्यारे। क्यूट है और इसकी नाक तक चिन लग रही है भाई। ये लेके रहे यार, लेके जा सकते हैं, बतख की दोस्ती हो जाती है खरगोश से। जो बिल्कुल साथ साथ नहीं रहते, थोड़ा सेपरेट के करना पड़ेगा, लेकिन आपका केज काफी बड़ा है, उसको पार्टीशन करके उसके अंदर एक हाँ जी दोस्ती करोगे हमारे डक्कू डोली से? मुंह पे भी हाथ डालेंगे तो नहीं करते। अच्छा मुंह में नहीं डालेंगे हम। चलो इसका भी जो है ना पता करते हैं यार, बतख का फिर मुझे बताओ यार फाइनल डिलीवर करवा देंगे? बिल्कुल डिलीवर, क्योंकि वो काफी बड़ी है साइज में, एवं गाड़ी में वो फिर बाहर आ गई ना फिर मसला हो जाएगा। तो बतखें जो है ना डन हो गई हैं, वो कह रहे हैं कि कल सुबह जो है ना रोशनी रोशनी में वो घर पे डिलीवर करवा देगा, और अगर उसको उससे भी अच्छा अगर कोई पेयर मिला तो वो करवा देगा। तो अब जो है ना हमारे डक्स की कलेक्शन के अंदर मेलर डक के साथ साथ सादा देसी वाइट डक्स भी आ गई हैं भाई। तो अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं सीधा घर, रात बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है मैं तुम लोग को जो है ना घर पहुंच के मिलता हूँ सीधा। The next day. तो बतख आ गई है, आ गई हाँ, बारह दो मिनट जल्दी आओ भाई, अभी अभी खबर मिले बतख आ गई भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार? अल्लाह का शुक्र ठीक है। तो ये भाई जो है ना लेके आए हैं अभी बत्तख वगैरह लेके आए हैं, दो पूरी पूरी सफेद है, इनका कहना है यार पूरी पूरी सफेद है, पूरी पूरी वाइट जैसे। ओए होए यार, एक सिर्फ एक निकाल के दिखा सकते हो? भाई क्यूट तरीन सफेद रंग की जो है ना बतख आ गई। हाँ मुझे तो कलर इसका बड़ा अच्छा लगा यार, अक्सर होती है मैली मैली होती हैं। ये फीमेल है और ये भाई साहब जो है मेल है, बैठे हुए हैं सुकून से अंदर। ये इसलिए मैं थोड़ी सी छोटी लेके आऊँ ताकि आपके साथ अच्छे से अटैच हो जाइए। अच्छा, इसकी जब आपके साथ जरा अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, काम शाम करवाएं फिर इससे। ताजी बतख जो है ना वो लेके आए हैं। चलो एक काम करो, इसको ना वापस पिंजरे में बंद कर दो और ना ऊपर ले आओ, इनका जो है ना वो सामने ऊपर घर है। तो इनको जो है ना हम लोगों ने छोटे केस से तो निकाल दिए, अब इनको किसी तरह अंदर लेके आना यार। इधर इधर इधर, ये तुम लोग का उधर कर रहा है भाई। हाँ उधर जाओ सीधा, ओ तारों में क्यों फंस गए हो? चलो 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 चलो, वाड़ जाओ वाड़ जाओ वाड़ जाओ वाड़ जाओ। आए हाँ जी, कैसा लगा अपना नया घर? ओए अपने अम्मी अब्बू से मिलो, डक्कू और डॉली से मिलो बच्चो। भाई ये सफेद वाले बतख है ना, ये बाद में आए हैं तो ये जूनियर है इनके। ओए वो तो डर नहीं है इससे यार। ओए डर क्यों नहीं हो इससे यार, तुम्हारी खानदान के हैं भाई। लगता है डक्कू और डॉली की फुप्पू उठा के ले आया हूँ मैं, इसलिए डर रहे हैं। तुम्हारी रिश्तेदार है वो, एम ही डडी जा रहे हो, जाओ ना ओए यार उनके साथ जाके यार। हैं और कोई शुगर मेला लगाओ यार, इनकी तो आपस में बानी नहीं रही है यार, ये तो डर रहे हैं आपस में, ये क्या बदतमीजी हो गई भाई। जा अंदर परा वरना यार, अंदर वार वार अंदर। हाँ पानी खानी पियो पहले। आए ओए और डर के भाग गए यार। ओ भाई तुम्हारे भाई लोग हैं, क्या कर रहे हो यार? इनका तो आपस में फट्टा चल रहा है यार। ओ भाई दोस्ती करनी है। ओ भाई क्या कर रहे हो यार, मैंने सोचा था कि तुम दोस्ती डालोगे यार, तुमने यहाँ आके कच्चे मारनी शुरू कर दी, उनको डरा रहे हो यार बेचारों को। और तुम लोग ही मुझे समझ नहीं आती यार, है मेरे से भी डरते हो फिर बतखों से भी डर रहे हो। चलो अभी जो है ना इनको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं कि इनकी जो है ना कैसी दोस्ती बनती है। उतनी देर जो है ना इनका खाना पानी रिफिल करके रख लेते हैं, पानी तो मैंने रख लिया था रिफिल करके, खाना भी इनका रख लेते हैं यहीं पे, ठीक है अभी इंजॉय करती रहेंगी। ओ भाई जाओ अपने स्विमिंग पूल में यार जाओ। अच्छा ये डरती नहीं है व्हाइट वाली, वो जो है ना उनके तो थोड़ा पास भी हो तो डर जाती है, व्हाइट वाली थोड़ी चिल है। लेकिन इनकी आपस में क्यों नहीं बंद नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार ये बात। देखा ये इजी है, ये तो इनके तो पार शार भी कर सकते हो आप। भाई देखो यार हैं, वो भी जंप मार दी उसने बाहर, जैसे ये दोनों अंदर आए हैं ना उसे जंप मार दी बाहर यार। और नहीं कुछ कहते यार डॉली, तू मैं भी औखी हुई आ रही हो यार। ओ यार डक्कू तू भी यार, ओ यार यार कितने जीव है यार, वो देखो बाहर यार, समझ में आ रहा है यार, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों से नहीं बनती हैं। वो देखो वो अकेली चिल मार रही है वहां पे। चलो इनको जो है ना खेलने देते हैं। भाई देखो फुल नहा रहे हैं भाई, तरीके से नहा रहे हैं मल मल के, देखो खुश भी है। आए ओ यार, आए ओ बेचारे, ओ बेचारे, ओ जो तुमसे छीन लिया गया ना तो तुम्हारा हक है, उसको जाके वापस ले ले डक्की, नहीं तो इन्होंने जो है ना तुम्हारा जीना आराम कर देना है। भाई यार बेचारे वो देखो इनको किस तरह से देख रहे हैं यार, वो सोच रही होंगी कि यार पहले ही स्विमिंग पूल में हम लोग नहाया करते थे, अब जो है ना ये चिट्टे चिट्टे लोगों ने जो है ना आके जो है ना कब्जा कर लिया है। ओ बेचारे यार अपने स्विमिंग पूल को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं यार, ये मेरा एरिया है। अबे डक्कू डोली यार मेरी आवाज सुनो यार, यार इनको जो है ना कुछ हमें कुछ करना पड़ेगा यार। यार वो देखो कितना उदास हो गया यार, अबे बहुत उदास हो गया यार, ये सामने अपना स्विमिंग पूल देख रहा है बस, टोटल उदास हो गया।
तो यार यहाँ मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ यार, बड़ा फनी सीन हो गया यार। दो सफेद बदमाश आए हैं, उन्होंने डक्को डोली को फारिग करा दिया स्विमिंग पूल से भाई, हैं कब्जा कर लिया भाई लेवल का। खैर एनीवेज यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई ब्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल, ओका फिर।